हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल एम सादिक अली। आज हम इस वीडियो में एडवांस सेंटेंस लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश की बोलचाल की भाषा में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व निभाता है। जैसे मैं उससे बात करना बेकार है, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, घर में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, लेट तक सोने से कोई फायदा नहीं है, सुबह उठने से कोई फायदा नहीं है, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, इस तरह का सेंटेंस इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि इजी ट्रिक से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। पहला नंबर, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर जानना चाहिए। तो स्ट्रक्चर है इट्स नो यूज। इट्स नो यूज मींस होता है फायदा नहीं या बेकार। इसका मेन एग्जैक्ट मीनिंग ही होता है फायदा नहीं या बेकार, प्लस इट्स नो यूज प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही आपका स्ट्रक्चर है। आप इसी स्ट्रक्चर के जरिए से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस बना के। इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू, जैसे समय बर्बाद करना ही बेकार है, समय बर्बाद करना ही बेकार है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार आप इट्स लगा दे। इट्स के बाद एपोस्ट्रोफ इस देना ही जरूरी है। इट्स अब उसके बाद नो लगा दे, यूज। ये आपका बेकार का मीनिंग आपका यहां पर सुटेबल सेटिंग हो चुका। अब क्या है स्ट्रक्चर में कि वर्ब का चौथा फॉर्म, तो इसमें देखे वर्ब का यानी वर्ब कौन है, समय बर्बाद करना यानी बर्बाद करना इसमें वर्ब है, तो वेस्ट होता है बर्बाद करना का, तो वेस्ट। और वर्ब का चौथा फॉर्म में वर्ब प्लस आईएनजी लगाया जाता है, तो इट्स नो यूज वेस्टिंग और समय का मीनिंग टाइम होता है, तो लास्ट में आप टाइम लगा दें। पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। सेंटेंस है घर में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, तो सीधा सीधी इट्स लगा देते हैं, नो यूज। इट्स नो यूज बैठे रहने से, तो बैठना क्या है वर्ब है, तो यहां पर सीटिंग। अब कहां बैठने में, घर में, इन द हाउस। दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे भी ज्यादा बोलने से कोई फायदा होता भी नहीं है, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे इट्स नो यूज। अब यहां पर देखे बोलना का क्या हो, स्पीकिंग लगा सकते हैं, तो आप स्पीकिंग ही लिखे, बोलना का तो स्पीकिंग, तो इट्स नो यूज स्पीकिंग टू मच, यानी ज्यादा बोलने का मीनिंग टू मच लगा सकते हैं, तो इट्स नो यूज स्पीकिंग टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमसे बात करना ही बेकार है, तो इट्स नो यूज। अब यहां बात करना का मीनिंग क्या होता है, टॉकिंग, इट्स नो यूज टॉकिंग। अब यहां पर आपसे यानी तुमसे, तो टू यू। इसी तरह का आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपसे बात करना बेकार है, इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। आपसे यानी मिलना बेकार है, इट्स नो यूज मीटिंग टू यू। वहां जाना बेकार है, इट्स नो यूज टू गो देयर। इसी तरह का और भी हजार दो हजार सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के जरिए से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।